नमस्कार मित्रों, अमरीश फूड वर्ल्ड में तुम्हारू स्वागत है। मित्रों, आजनो विडियो खूब ज इंटरेस्टिंग है कारण के आज आप बनावीशू एक खूब सरस मजानी मिठाई जो बधाना घर में रेग्युलर बनती हुई है, बधाने खूब पसंद करे छे। एनु नाम है फाड़ा लापसी। अपने गुजराती लोग ओरमू कही छे, बाकी बधा लोग फाड़ा लापसी नाम थी ओळखे छे। खूब ज मजेदार मिठाई बने छे। अने आज लाभ पाचमनो पवित्र दिवस है। दिवाळी पछीना तहेवारो पूरा थाय अने लाभ पाचमना दिवसे बधा लोग पोताना धंधानुं पुनः मुहूर्त करता होय छे अने त्यारे बधाना घरमां लापसी अथवा फाड़ा लापसी बनती ज होय छे। तो आपणे आज खूब ज सरस मजानी फाड़ा लापसी बनावी लीए अने बनावी बिलकुल आसान छे। एना माटे आपणे एक कूकर में 100 ग्राम देशी घी लैशू। आ रीते 100 ग्राम देशी घी लीधुं छे अने एक सिनेमन स्टीक एटले के तजनो टुकड़ो के जे फ्लेवर एनी खूब ज सरस आवे छे। घऊना फाड़ा आपणे एक वाटकीना मापथी लीधा छे तो एने आपणे आ घी में शेकी लेवाना छे। लगभग 250 ग्राम जेटला घऊना फाड़ा छे पण आपणे वाटकीना माप मुजब चालशुं कारण के आपणे ए प्रमाणे पाणी पण लेवानुं छे। ज्यारे घऊना फाड़ा एक वाटकी लेवाना होय त्यारे आपणे पाणी 3 वाटकी लेवुं पड़े छे। अने आ फाड़ा लापसी एटले के घऊनुं फाड़ानुं ओरमुं जे आपणे ते नाना मोटा प्रसंग होय के तहेवारों में पण आपणे रेग्युलर बनावता होईए छीए, बधाने आवडतुं होय छे। पण हुं तमने एमां एक स्पेशल ट्रीक अने टिप्स साथे तमने खूब ज टेस्टफुल ओरमुं कई रीते बनावाय ते माटेनो विडियो लईने आव्यो छुं। पूरो विडियो ध्यानथी जोजो। घी बराबर मेल्ट थई गयुं छे अने हवे एमां आपणे एड करी दईशुं वाटकी घऊना फाड़ा। तमने बतावी दूं कई रीतना केटला कटिंगना फाड़ा छे। आपणे एक मीडियम कटवाळा फाड़ा छे। आमां मोटो कटिंगना फाड़ा होय तो थोड़ी एने चढ़ता वार लागे छे। एकदम आपणे मीडियम कटिंग है तो आ रीतना आपणे फाड़ा लेवाना छे अने एने घी में बराबर शेकी लेवाना छे अने आने आपणे गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी आपणे घी में शेकी लईशुं। घी आपणे 100 ग्राम अत्यारे घी लीधुं छे पण तमे आमां घी वधारे पण नाखी शको छो। आजे आपणे ओरमुं बनावीए त्यारे एमां भरपूर घी होय तो खूब ज मजा आवे छे। तमे पहेलाना समयमां तो लोको घी खूब ज खाता, अत्यारे लोको हेल्थ कॉन्शियस थई गया छे, घीनो प्रमाणमां उपयोग करे छे, बहू वधारे पड़तुं खाता नथी। एटले तमे तमारा माप प्रमाणे तमे एड करजो जेटलुं तमने फावे ए प्रमाणे। पण बराबर आने घी में शेकी लेवानुं छे अने बधुं ज बराबर शेकाई गयुं छे। हवे आपणे पाणीने गरम करी लईशुं कारण के आपणे एमां ठंडू पाणी वापरवानुं नथी, गरम पाणी वापरवानुं छे। 3 वाटकी गरम पाणी आपणे एक स्टीलनी तपेलीमां गरम करी लईए। पाणी बराबर उकळी जाय एटले आपणे कुकरनी अंदर आ बधुं ज पाणी एड करी दईशुं। पाणी बराबर उकळी गयुं छे। आपणे आ प्रोसेस फटाफट पतावी दઈએ। पाणी अंदर बधुं आपणे एड करी दीधुं छे। हवे एने थोडुं आपणे हलावी लईए, जोई लईए अने आपणे गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी आपणे आ घऊना फाड़ाने शेकी लीधा हता। तमे एमां थोड़ा वधारे शेकी लेशो तो पण चालशे पण आपणे गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी आपणे शेकीए तो आ ओरमुं खूब ज सरस बने छे। थोडुं वधारे शेकाई जाय तो एमां જરાય चिंता करवानी नथी। हवे आपणे गैसनुं फ्लेम थोड़ी हाई करी दीए, कुकरनुं ढांकण बंद करी दीए अने आपणे 7 सीटी वागे त्यां सुधी आपणे कुकरने गैस पर राखवानुं छे कारण के आमां एनी मेन कुकिंग प्रोसेस के जेने बॉइल करवानी प्रोसेस है ए आपणे कुकर में करशुं। तमे तपेलामां पण करी शको छो पण एमां 3 गणो जेटलो वधारे टाइम जाय छे। पण ज्यारे तमारी पासे वधारे क्वॉन्टिटी में बनावनुं होय त्यारे तमे मोटा तपेलामां पण बनावी शको छो पण आपणे झड़पथी आ ओरमुं बनावनुं छे एटला माटे आपणे एने कुकर में करीए छीए। कुकर में 7 विसल वागी गई छे। आपणे कुकर ने गैस बंद करी दईशू, कुकर ने ठंडू थवा राखशू। कुकर ठंडू थाय पछी आपणे सीटी ने आ रीते ऊंची करी अने चेक करी लीए तो आपणुं पाणी बिलकुल गायब छे अने आपणुं सरस मजानुं ओरमुं अत्यारे बॉइल थई गयुं छे। वाह, केटलो सरस बॉइल थयुं छे। जे लोको पहली वखत आ ओरमुं बनावता हशे ने एना माटे आ विडियो खूब ज हेल्पफुल हशे। बाकी तो बधा बनावता ज होय छे ओरमुं। हवे आपणे एक एल्युमिनियमनी कढ़ाई ने गैस पर मूकी दीए अने एमां आपणे 50 ग्राम देशी घी एड करी दीए। आमां तमे वनस्पति घी पण वापरी शको छो पण साचो टेस्ट अने ओरिजिनल टेस्ट लेवो होय तो तमे देशी घी अने एमां खास करीने गायनुं के भैंसना घीमां ज बनावजो। खूब सरस बनशे। 50 ग्राम किशमिश आपणे अंदर फ्राय करी लेवाना छे। साथे आपणे 50 ग्राम आखा काजू लीधा छे। तमे टुकड़ा काजूनो पण उपयोग करी शको छो। बस आने फ्राय करी लीए। काजू किशमिश बराबर फ्राय थी गया है। हवे आपणे अंदर ओरमू एड करी दीए, तो बधुं मिक्स करी देवानुं छे अने आने बराबर शेकी लेवानुं छे। आ वस्तु तमे कूकर में पण करी शको, पण कूकरनी माप थोड़ुं नानुं होय एटले तमने हलाववुं ने बधा फावे नहीं, एटला माटे आपणे एने कढ़ाई में ट्रांसफर करी दीधुं छे। हवे आपणे एड करी दईशुं पौणी वाटकी खांड। आपणे एक वाटकी ओरमू लीधुं हतुं अने एनी सामे आपणे पौणी वाटकी खांड नाखीए छीए। तमे वधारे गळ्युं खाता हो तो तमे एक वाटकी पण खांड एड करी शको छो, पण आपणे मीडियम गळ्युं बने एना माटे आपणे पौणी वाटकी खांड एड करी छे। तमे एक वाटकी ओरमूनी सामे एक वाटकी खांड पण एड करी शको छो। खांड बराबर मेल्ट थाय त्यां सुधी आपणे एने हलावता रहेवानुं छे अने पछी आमांथी घी छूटुं पडे त्यां सुधी आपणे सतत एने शेकी लेवानुं छे। खांड पण बराबर मेल्ट थी गई है, घी पण छूटू पड़ी गयु है। हवे आपणे अंदर एड करीशुं लींबूनो रस। मित्रों कदाच तमे पहली वार सांभळता हशो कि ओरमामां लींबूनो रस, परंतु आ मित्रों हूँ ज्यारे पण ओरमू बनावुं छुं त्यारे अंदर लींबूनो रस एड करूँ छूं। हूँ 2 થી 3 चमची जेटलो लींबूनो रस एड करीश, कारण के एना कारणे आ ओरमानो टेस्ट खूब ज वधी जशे अने एक अलग टेस्ट तमने एक अद्भुत टेस्ट जोवा मळशे। अने આવી રીતે તમે એક વખત ઓરમું બનાવી જોજો, તમને ખૂબ જ ગમશે। તમારી ત્યાં કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હશે તો તમે એને ખૂબ સારી રીતે ઇમ્પ્રેસ કરી શકશો, અને આનાથી ઓરમાનો સ્વાદ અને એ સરસ મજાનું છૂટું છૂટું ઓરમું બનશે। તો આ રીતે આપણે લીંબુનો રસ અંદર એડ કરી દીધો છે। હવે હું થોડું ટેસ્ટ કરી લઈશ। વાહ, સ્વાદ ખૂબ જ સરસ છે, પણ હજી મને લાગે છે થોડો લીંબુનો રસ હું હજી એડ કરું, એટલે મેં 1 ચમચી બીજો પણ લીંબુનો રસ એડ કરી દીધો છે। अने हवे आपणुं ओरमू तैयार छे। जो एकदम छूटू छूटू ने केटलुं सरस ओरमू बनी गयुं छे। आमां तमे खांडने बदले गोळ पण वापरी शको छो। तो जे जे समये आपणे ज्यारे खांडनो उपयोग कर्यो ए समये तमे गोळनो पण क्रश करीने अंदर एड करी शको। थोडुं ओरमूनो कलर डार्क थशे, खांडनुं ओरमू बनावशो तो थोड़ो व्हाइट जेवो कलर थशे। तो एकदम सरल छे ने आ प्रोसेस। अने मित्रों तमने आ ट्रीक अने टिप्स मारी गमी हशे, तमे पण ट्राय करजो। जो भरतुं घी देखाई रह्युं छे एटले आपणुं ओरमू कम्प्लीटली कूक थई गयुं छे। हवे आपणे एड करी दईशुं 1 ચમચી एलचीनो पाउडर। तमे आमां एलची सिवाय जायफळ पण एड करी शको छो, पण ओरमामां एलचीनो स्वाद खूब ज सरस आवे छे एटले आपणे 1 ચમચી एलचीनो पाउडर अंदर एड करी दीधो छे। हवे आपणे एने बराबर हलावी लईए अने टेस्ट करी लईए कि आपणी मिठाश अने टेस्ट बधुं बराबर छे। खूब ज सरस, खूब टेस्टी बन्युं छे ओरमू। अने आ रीते घी में लथबथ ओरमू तमे बनावशो तो खूब ज मजा आवशे। तो आपणुं आ घी में लथबथ ओरमू तैयार थई गयुं छे। आपणे एने सर्विंग प्लेट में काढी लीधुं छे। काजूथी गार्निश पण कर्युं छे। आपणे ओरमू बनावता वखते अंदर पण काजूने एड कर्या हता अने उपर आपणे बदामनी खतरण पण एड करीए छीए, जेना कारणे आ खूब सरस लगे छे, खूब स्वादिष्ट लागशे। अने फरतू डिश में पण तमे जोई शको छो कि फरतू घी बहार निकली गयुं छे। तो आवी रीते तमे घी में लथबथ ओरमू तमारा घरे बनावजो। तमे मने कॉमेंट करी चोक्कसथी जणावजो कि तमाराथी आ ओरमू केवुं बन्युं। मित्रों तमने मारो विडियो गम्यो होय तो मारा विडियोने लाइक करजो, वधारे गम्यो होय तो सब्सक्राइब करजो, अने आथी पण वधारे गम्यो होय तो तमारा तमाम मित्रों ने आपणो आ विडियो शेर करजो, आपणी चैनल ने सपोर्ट करजो। तो आवी ज रीते आपणे नवा नवा विडियो साथे मळता रहीशुं। त्यां सुधी मने रजा आपशो। जय हिंद, जय गुजरात।